शायद आप लोग अक्षरा सिंह की तो जरूर ही पहचानते होंगे, जो कि भोजपुरी की सबसे सुपरस्टार हीरोइनी है। बस हीरोइनी के साथ साथ एक्टर भी है और सिंगर भी है, जो कि काफी हिट हिट गाना दिया हुआ है। भोजपुरी की मशहूर डांसर एक्टर रानी ने गंदी फोटो अपलोड किया फेसबुक पर, और ये फेसबुक पर वायरल होते होते अक्षरा सिंह के पास भी पहुँच चुका ये फोटो। और जब ये फोटो अक्षरा सिंह के पास पहुँचा, जब ये नजर उस पर पड़ा तो वो तो बेचैन ही हो गया। अक्षरा सिंह हमेशा गलत की आवाज उठाई है और अश्लीलता गाने वालों को भी आवाज उठाई है। बस इतना ही नहीं, गलत फैलाने वालों को भी आवाज उठाया है। इसीलिए अक्षरा सिंह वो भी सलाह है कि ऐसी गंदी हरकतें करने वाली नंगा फोटो फेसबुक पर नेहा ओझा सुहाना क्वीन शिवानी मनीषा जैसे सुपरस्टार डांसर, जो कि अवधेश प्रेमी मीठू मार्शल धनंजय धड़कन के गाना पर डांस करके अपना नाम हासिल किया हुआ हीरोइनी सब है, उन सब की नंगा फोटो बनाकर फेसबुक पर अपलोड करने वाली रानी एक्ट्रेस और उनकी पति विराज नाम है और उसका जो देवर है रानी एक्ट्रेस का, वो सभी मिलकर कुछ ऐसे हरकतें की है जिस वजह से पूरे इंडस्ट्री पर भारी पड़ रही है, यानी कि गंदी नजर आ चुकी है। ऐसी हरकतें हो चुकी है इस वक्त। अक्षरा सिंह भोजपुरी का सुपरस्टार जो रही है, उसकी राय और सलाह है कि ऐसे आदमी की कुछ ऐसी सजाए दिया जाए, ऐसी सजाए दिया जाए कि दोबारा ऐसी हरकतें करने की भोजपुरी में कोई ऐसा मर्द पैदा ना हो चुके, ऐसी सजाए उसे दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही गलत हो चुकी है। और इतना ही के साथ साथ नाम भी बदनाम हो रही है भोजपुरी दुनिया की, भोजपुरी इंडस्ट्री की, जो कि बाद में आकर कुछ ऐसे ऐसे फोटो अपलोड हो रहा है, कल चल के कुछ ऐसा ना हो सके कि पूरा के पूरा वीडियो ही अपलोड होने लगे भोजपुरी में, जो कि गंदे गंदे तो सिर्फ फोटो ही नंगा फोटो अपलोड हो रहा है, कहीं बाद में जाकर नंगा वीडियो ही ना आ जाए। इसलिए कुछ तो उसको ऐसी सजाए दिया जाए जाकि दोबारा ऐसी हरकतें करने की उसकी हिम्मत ना हो सके। दर्शक सब, तो आपको क्या राय है और आपको क्या सलाह है इस बारे में, जो कि गलत फोटो अपलोड किया फेसबुक पर? यूट्यूब पर तो ऐसा फोटो अपलोड नहीं करने देता है और यूट्यूब पर ऐसा फोटो दिखा भी नहीं सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पब्लिक एरिया है। तो आपको इस बारे में क्या राय है और क्या सलाह, नीचे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना भोजपुरी से रिलेटेड देखने के लिए। और इतना ही नहीं, बल्कि अच्छा लगता है तो लाइक भी कर देना और हो सके तो फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर भी कर देना और पूरे भोजपुरी समाज में वीडियो को फैला दो, ताकि उसको सुधर जाए भोजपुरी में गंदगी फैलाने वाला की ऐसी सजा मिलना चाहिए, ताकि वो सुधर जाए, दोबारा हो ना सके ऐसे।